चलो नलायक बच्चों, एक बार फिर से आपका वेलकम है चैप्टर 7 में, यूनिट 1। अभी देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये नया चैप्टर है, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नए चैप्टर से इस बार जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ध्यान से समझना। पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ, ना तो 11th में ना तो 12th में, और पहले फाउंडेशन में भी नहीं था। चलो, क्या नाम है यूनिट 1 का? फिजिकल फंक्शंस एंड ओवरव्यू सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। डन, देखते हैं सर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, पहले मैं वैसे बता देता हूँ। देखो क्या फिजिकल फंक्शन क्या है, सेंटर अपने देश में गवर्नमेंट में मोदी जी हो गए सेंटर में, और योगी जी, केजरीवाल साहब, ये सब हो गए स्टेट में। अब इनका फाइनेंस, ये लोग सरकारें चलाने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, या फिर स्टेट्स को पैसा सेंटर देता है, या ये सब चीज़ें कैसे होता है। जैसे आपने बीच में सुना होगा दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी बीच में बहुत आरोप लगाने लग गए थे कि मोदी जी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए दिल्ली में ठीक से काम नहीं चल रहा है। ये क्या हकीकत है, कैसे, अपने को समझ में नहीं आता ना। अभी देखो इस चैप्टर के बाद आपको समझ में आएगा। आओ देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक फंक्शन प्ले अ क्रूशल रोल इवन इन मार्केट इकोनॉमीज, जनरल बात है। ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट स्कोप, साइज एंड स्कोप ऑफ गवर्नमेंट हैव इंक्रीज ओवर डिकेड, जनरल बात है। प्राइमरी गोल, प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जनरल बात है। इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, गवर्नमेंट एक्शन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इकोनॉमीज फंक्शन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक बात है। अच्छा देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर देश में किस तरीके से करती है, इससे डिपेंड करेगा उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गवर्नमेंट के ऑपरेशंस क्या है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, रेज मनी, पैसा लाती है, इनकम एक्सपेंडिचर खर्च करती है, गुड्स कंज्यूम करती है, सर्विसेज कंज्यूम करती है, बोरो करती है मनी, एम्प्लॉय करती है लोगों को, और की इंस्टीट्यूशन बनाती है। आगे रूल्स एंड रेगुलेशन, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर रूल्स कंसर्निंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अनरेगुलेटेड मैटर, सम एरियाज आर स्टिल अनरेगुलेटेड डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब ये भी जनरल बात है, अभी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे बचे हुए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक प्रोविजन, सम गुड्स एंड सर्विसेज आर बेटर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट, जैसे रेलवे हो गया, वो प्राइवेट अच्छा नहीं दे सकती, या दे सकती है लेकिन वेलफेयर का सेंस उनके दिमाग में नहीं रहेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के गोल क्या होते हैं, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट और स्टेबल प्राइस लेवल, ये दुनिया के हर एक मैक्रो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, गोल है, अजम्पशन है कि वो ऐसा करना चाहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं, इंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिंपल सी बात है, इनका ये कहना है कि जीडीपी बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ेगा, आपको भी पता ही उतना रियल नहीं है। हाई एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर हाईएर इनकम, हाईएर आउटपुट, प्रिवेंट लॉस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, ठीक बात है, अभी तक सारी जनरल बात है। स्टेबल प्राइस लेवल, प्रिवेंट इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्राइस अगर कंस्टेंट रहेगा तो ना तो महंगाई आएगी ना तो सस्ताई आएगी। अवॉइड इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन डायरेक्ट द इकॉनमी टू इम्प्रूव इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड वेलबींग। लेसन्स पर्पस क्या होगा, एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक बात है सर, ये बहुत सारी आपने जनरल बातें हमें बता दी। अब आओ सर, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, अब ये देखते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला, सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम नेसेसिटी अराइजेस फ्रॉम स्कैसिटी एज वॉन्ट आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बहुत पुरानी बात है, अभी भी यही बात होती है। आगे सबसे पहले देखते हैं रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन, एन इकोनॉमिक सिस्टम एलोकेट्स रिसोर्सेज एंड डिटरमाइंस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात समझ में आ गई। अब यहां से टेक्निकल हो गया धीरे धीरे, बोला रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन कैसे लिया जाता है, एन इकोनॉमी सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज एंड डिटरमाइंस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक बात है, हमने एलोकेशन उसी हिसाब से करेंगे जहां पे हमें दिखेगा कि प्रोडक्शन कम है या प्रोडक्शन होना चाहिए, और उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए, मैं गवर्नमेंट का सेंस बता रहा हूँ। आगे अब आता है बेसिक इकोनॉमिक का क्वेश्चन, आपको पता है व्हाट हाउ एंड फॉर व्होम, व्हाट हाउ फॉर व्होम टू प्रोड्यूस एंड रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर ग्रोथ, थ्री इकोनॉमिक का सिस्टम है, पहला कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स। एडम स्मिथ का व्यू क्या था, ये एडवोकेट करते थे फ्री मार्केट बट लिमिटेड बट वेल डिफाइंड गवर्नमेंट रूल्स। स्मिथ गवर्नमेंट का रोल क्या, स्मिथ का गवर्नमेंट रोल क्या, स्मिथ कहते हैं गवर्नमेंट का जो रोल है वो है नेशनल डिफेंस,
जस्टिस सिस्टम और पब्लिक वर्क, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिजेस बढ़ाना एक्सेट्रा। अच्छा, अब आते हैं 1930 में स्टेट के गवर्नमेंट रोल के लिए। इंक्रीज इंपॉर्टेंस ड्यू टू द गवर्नमेंट डिप्रेशन। पहले गवर्नमेंट के रोल पे इतना फोकस नहीं किया गया था, लेकिन 1930 के बाद बोला कि ये जो डिप्रेशन, इसकी वजह ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था। गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक्स रोल इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पॉजिटिवली। रिचर्ड मसग्रेव टैक्सोनॉमी क्या कहती है? थ्री गवर्नमेंट फंक्शन, पहला रिसोर्स का एलोकेशन करना, आप देखो ऐसे समझना। अब आया रिचर्ड मसग्रेव की टैक्सोनॉमी, इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का जो काम होता है वो तीन काम होता है। पहला काम है रिसोर्स को एलोकेट करना, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना और मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबलाइज रखना। तीन बातें याद रखना, पहला रिसोर्स को एलोकेट करना, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना और मैक्रो इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करना। अब अगली चीज देखना, एलोकेशन फंक्शन का मतलब क्या? इंश्योर एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक सिस्टम, पहली बात। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, गारंटी फेयर वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा स्टेबलाइजेशन का फंक्शन क्या होता है? इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट। तीन बातें दोबारा, पहला एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। एलोकेशन में क्या बोला? इंश्योर एफिशिएंसी इन इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम इतने अच्छे से काम करे, आई मीन मेरा एलोकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, गारंटी फेयरनेस ऑफ वेल्थ, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अमीर नहीं रहेगा, सब बराबर रहेंगे। तीसरा स्टेबलाइजेशन फंक्शन, हमारा प्राइस स्टेबल रहेगा, बार बार ऊपर और बार बार नीचे, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन नहीं आएंगे। अच्छा, अब आ गया सर नेशनल बजट, रिफ्लेक्ट्स गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी एंड एक्सरसाइज इकोनॉमिक फंक्शन। थ्री फंक्शन फ्रेमवर्क, डिस्कसेस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। डन। तो इन्होंने मोटा मोटा यहाँ पे मुझे ये बता दिया कि गवर्नमेंट का काम क्या। अब गवर्नमेंट के काम को थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक मिनट देखते हैं सर। चलो देखो, ये जो चैप्टर मेन है ना, 7 मिनट गवाने के बाद आपको अब समझ में आएगा कि एक्चुअली में चैप्टर यहां से शुरू हुआ है। सरकार का ना काम है, पहला काम है एलोकेशन फंक्शन। क्या होता है एलोकेशन फंक्शन? रिसोर्स का एलोकेशन, सरकारें कोशिश करती हैं अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि बात तो हुई है सरकार के एक्सपेंडिचर की, और वो काइनियन ने बोल भी दिया था कि 1930 में ये जो डिप्रेशन की वजह सरकारों का खर्चा ना करना था, तो सरकार कहती है ठीक है हम खर्चा करेंगे। पहला खर्चा करते समय मैं ध्यान दूंगा कि मेरा एलोकेशन का फंक्शन ठीक ठीक हो जाए। पहला एलोकेट्स लिमिटेड रिसोर्सेज अमंग वेरियस यूसेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, पहला मोटिव। दूसरा ऑप्टिमल एलोकेशन मिनिमाइज वेस्टेज सर्विसिंग ईच पर्सन बेस्ट, वो स्टेट की बात कर रही है। मार्केट ड्रिवन बाय सप्लाई डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म, तीन बातों को हम ध्यान भी रखेंगे एलोकेट करते समय। एलोकेट थ्रू बजटिंग एड्रेसिंग मार्केट एंड पब्लिक गुड, ठीक बात है। कहते हैं मार्केट फेलियर, लेकिन अगर मार्केट फेलियर हुई है या मार्केट फेलियर होने वाली है, अभी तो हमने देख लिया कि सरकार एलोकेट करने से पहले कितनी सारी बातें सोच रही है, लेकिन अब बोला मार्केट फेलियर। अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट कंपटीशन, पब्लिक गुड्स प्रोविजन, इनकम्प्लीट मार्केट, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, एक्सटर्नलिटीज, फैक्टर इमोबिलिटी, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इनकम इक्वालिटी। अब कहते हैं कि दुनिया की कोई भी मार्केट अगर फेल हो गई है, मार्केट फेल होने का मतलब क्या होता है? सामान बन गया बिका नहीं, या डिमांड बहुत ज़्यादा है वो गुड्स ही नहीं है, मतलब सरकार की कहीं ना कहीं कमी रही है। अब कहते हैं ये कमी इन इन बातों पर डिपेंड करती है कि मार्केट इन इन बातों से फेल कर जाएगा। अगर वहाँ इम्परफेक्ट कंपटीशन है, पब्लिक गुड्स जो कि होने चाहिए वो है ही नहीं, इनकम्प्लीट मार्केट है, मार्केट पूरी बनी भी नहीं है, प्रॉपर्टी का रिसोर्स में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, एक्सटर्नलिटीज, मैंने बोला एक्सटर्नलिटीज दोनों तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फैक्टर की इमोबिलिटी है, ये फैक्टर यहाँ तो अवेलेबल है लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता नहीं, सेलर को पता नहीं, और इनकम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। डन। इतनी बातें होने के बाद अब आ जाते हैं सर मसग्रेव्स के व्यू पे। ये कहता है स्टेट फुलफिल्स सिटीजन्स नीड थ्रू पब्लिक फाइनेंस फॉर ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। अब पहली बात सुन लिया आपने, क्या बोला? मसग्रेव का व्यू है, वो कहता है कि स्टेट फुलफिल करती है सिटीजन्स की नीड को पब्लिक फाइनेंस से, और पब्लिक फाइनेंस ऐसा होता है कि उससे रिसोर्स का एलोकेशन ऑप्टिमल हो जाए। अगला, अब गवर्नमेंट का क्या इंटरवेंशन है? गवर्नमेंट कहती है करेक्ट मार्केट फेलियर को, वो जो ऊपर की चीज़ें आपने देखा जिसकी वजह से मार्केट फेल हुई उसको ठीक करती है, इंश्योर प्रोडक्शन बैलेंस ऑफ मैरिट एंड डीमैरिट गुड। अच्छा, सरकार कहती है हमें डीमैरिट गुड भी बनाना पड़ेगा। चलो अब अगला देखो सर,
कॉम्प्लीमेंट टू मार्केट, गवर्नमेंट सप्लीमेंट्स रादर देन रिप्लेस मार्केट एलोकेशन। अब ये भी समझो, गवर्नमेंट कभी भी कोई चीज़ रिप्लेस नहीं करती, एग्जिस्टिंग पे ऐड करती है। गवर्नमेंट्स बजटिंग रोल डिटरमाइंस टैक्सेशन स्पेंडिंग रिसोर्स एलोकेशन एंड पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। गवर्नमेंट अपना बजटिंग का रोल डिफाइन करने से पहले ये सारी बातें देखती है। एलोकेशन का इंस्ट्रूमेंट क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्शन या तो अब सवाल है कि एलोकेशन कैसे होगा, मतलब आप कह रहे हो ना कि सरकार के पास पैसा है, सरकार पैसा दे दे, सरकार देखो पैसों के लिए क्या करती है, या तो कहेगी सरकार हम खुद ही प्रोड्यूस कर देते हैं, या प्राइस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट कहते हैं, मतलब मार्केट में अगर कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं सप्लायर्स को सब्सिडी दे देता हूँ ताकि कीमतें कम हो जाए। लेजिस्लेशन में चेंज करता हूँ, पॉलिसी बनाता हूँ, रूल्स बनाता हूँ, कॉम्पिटिशन पॉलिसीज बनाता हूँ, रेगुलेशन या फिर फ्रेमवर्क करके मैं इस एलोकेशन के इंस्ट्रूमेंट को यूज करता हूँ। मतलब जनरली पैसा देना इज नॉट एलोकेशन, कई बार पॉलिसी मेकिंग इज ऑल्सो द एलोकेशन। ठीक, चलो सर पहला हुआ, अब अगला देखते हैं सर रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या सर रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो इनकम वेल्थ को इक्वलाइज करने का तरीका है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, अगर इकोनॉमी तीन तरीके की होती है तो उसमें सोशलिस्ट आपको पता है कि जहां पर सब चीज सरकार प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजी क्या है, एम्फेसिस गवर्नमेंट्स रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम एंड वेल्थ फॉर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कोई भी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाओ ऐसा नहीं होगा कि सारे एक ही इनकम वाले लोग हों, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है लोगों में, लेकिन सरकार ये कोशिश करती है कि इसको हम लोग इक्वलाइज कर दें। अगला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इंश्योर फेयर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग हाउस होल्ड, सरकार कोशिश कर सकती है। मैथड ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब ये मैथड कैसे काम करेगा, पहला थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज लाइक एडुकेशन हेल्थ केयर हाउसिंग। अब यहाँ पे ना दो ही तरीके हैं इनकम के रिडिस्ट्रीब्यूशन का, बोला हम ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब जो ज़्यादा कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स। अच्छा, और दूसरा तरीका है सर जो लो कमाने वाले लोग हैं ना, कम बजट वाले लोग, हम उनके लिए सोशल सर्विसेज दे देते हैं, जैसे कि एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल, हेल्थ केयर गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर हाउसिंग हम कम बजट वाले घर ले आते हैं उनके लिए। गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका गोल क्या है, अचीविंग इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांसिंग वेलबींग, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड इंश्योरिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नॉट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम सबको मिल जाए। ये सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी भी है और रीडिस्ट्रीब्यूशन करते समय सरकार की भी आइडियोलॉजी है। एग्जाम्पल ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, जैसे आपने अभी इंस्ट्रूमेंट याद किए थे ना ऊपर, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे याद करो कि इनकी पॉलिसीज क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा दो, सब्सिडीज दे दो एसेंशियल गुड्स पे, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेट कर दो कि सर इस पे ये जो कुछ गरीब तबके के लोग हैं इन्हीं को जॉब मिलेगी, मिनिमम वेज इंश्योर कर दो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दे दो, या फिर रीजनल डेवलपमेंट की स्कीम्स बना दो। आगे देखते हैं सर एफिशिएंसी वर्सेस इक्वालिटी, क्या कोई फर्क है कि सर इक्वालिटी होना चाहिए एफिशिएंसी होनी चाहिए। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज मे क्रिएट एफिशिएंसी कॉस्ट ड्यू टू डिसइंसेंटिवाइज फॉर एंटरप्रेन्योर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी है ना वो एफिशिएंसी कॉस्ट क्रिएट कर देती है, किस वजह से सर वो डी इंसेंटिवाइज कर देती है, मतलब लोगों को इंसेंटिव नहीं देती है, क्यों, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप सेविंग और इन्वेस्टमेंट, उनको ना अकेला छोड़ती है क्योंकि सर हमें क्या करना है। एक मिनट किसी का कॉल आ गया था, मैं दोबारा ये वाली बात समझा देता हूं। एफिशिएंसी वर्सेस इक्वालिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज मे क्रिएट एफिशिएंसी कॉस्ट, बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी से एफिशिएंसी की कॉस्ट क्रिएट हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपने इंसेंटिवाइज नहीं किया, आपने तो डी इंसेंटिवाइज कर दिया, मतलब जिसको जिसका पुरस्कार मिलना था दिया ही नहीं, मतलब आपने एंटरप्रेन्योर को सेविंग को इन्वेस्टमेंट को उसका इंसेंटिव नहीं दिया, उसको डिसइंसेंटिवाइज कर दिया, तो उसकी एक कॉस्ट बन गई। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हम ना इक्वल देख रहे हैं, हम एफिशिएंसी को इनोवेशन को प्रमोट ही नहीं कर रहे। अगला ट्रेड ऑफ क्या होता है, गवर्नमेंट्स एम टू बैलेंस इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज टू मिनिमाइज नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट वाइल अचीविंग सोशल गोल। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सोशल गोल को अचीव करना उनका मोटिव होता है, इकोनॉमिक नेगेटिव इंपैक्ट को कम करना। नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब हम वो बनाएंगे जिसकी डिमांड होगी, नहीं ऐसा नहीं करती है। अब देखो सर स्टेबलाइजेशन फंक्शन लास्ट है, ध्यान से देखना, स्टेबलाइजेशन फंक्शन का मतलब पता है, महंगाई को स्टेबल रखना, सस्ताई को भी नहीं आने देना।
मैक्रो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी क्या कहती है? एक बच्ची आ गई, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी मैडम, चलो अभी देखो। स्टेबिलाइजेशन फंक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव्ड व्हेन एन इकोनॉमी आउटपुट मैचेस इट्स कैपेसिटी, स्पेंडिंग मैचेस आउटपुट, लेबर इज फुल्ली एम्प्लॉयड एंड इन्फ्लेशन इज लो एंड स्टेबल। बोला कि ये तब होगा, तब स्टेबिलाइजेशन की मैक्रो इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब जब ऐसा होगा। पहला, आउटपुट कैपेसिटी को मैच कर दे, स्पेंडिंग आउटपुट को मैच कर दे, लेबर फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाए और इन्फ्लेशन सबसे कम पे आ जाए या फिर स्टेबल हो जाए। अगला, स्टेबिलाइजेशन का फंक्शन क्या है फिर? बेस्ड ऑन काइन्सियन थ्योरी दैट मार्केट अलोन मे नॉट इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबल प्राइस नेसेसिटिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो मार्केट की स्टेबिलाइजेशन है ना, ये मार्केट इंडिपेंडेंट होके खुद पहुंच जाएगी, तो नहीं पहुंचेगी। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा मार्केट को स्टेबिलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे करती है? थ्रू फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज टू प्रमोट फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलाइज प्राइस एंड मिटिगेट इकोनॉमिक डिसरप्शन। चलो सर, ये याद हुआ। फिजिकल पॉलिसी क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है? देखो, फिजिकल पॉलिसी uses government spending and taxation to manage aggregate demand, increasing spending or cutting taxes during recession and vice versa during high inflation. अब सरकार अपनी fiscal policy में करती क्या है? पहला काम, increase करती है spending और cutting करती है taxation recession के समय, क्योंकि recession के समय में market में पैसा ही नहीं है, लोग खर्च ही नहीं कर रहे। तो एक तो सरकार ने अपनी spending बढ़ा दी, प्लस टैक्सेस कट डाउन कर दिए ताकि लोगों पे डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा पहुंच जाए। एक मिनट बेटा, मम्मी का कॉल है। हेलो, हाँ मम्मी, चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी में कटिंग टैक्सेस, रिसेशन के टाइम पे सरकार दो चीजें करती, अपने खर्चे बढ़ा देती है और टैक्स को कट कर देती ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचे, एटलीस्ट वो खर्चा शुरू करे। खर्चा शुरू करेंगे तो मार्केट उठना चालू हो जाएगी। इसके जस्ट अगेंस्ट इन्फ्लेशन में सरकार इसका वैसा वैसा करती है, अपने खर्चे कम कर देती है, टैक्सेस बढ़ा देती है ताकि मार्केट से पैसा आउट हो जाए। मार्केट से पैसा आउट होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन आउट हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन कैसे काम करता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है जो कि टैक्स अगर कलेक्ट हुआ और उस टैक्स में अगर स्टेट का पार्ट है और सेंटर का भी पार्ट है तो उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब डिस्प्यूट को कम करने के लिए कमीशन बनाई गई है। वरना मोदी जी और योगी जी तो शायद आपस में ना लड़े, लेकिन मोदी जी और केजरीवाल तो जरूर आपस में लड़के एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे कि ये पैसा मेरा है और ये पैसा मेरा है। तो उन दोनों को बीच में लड़ाई खत्म कराने के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाई गई है। जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, पता है आपको फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और बोरोइंग का मतलब क्या है, पता है यार, गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेंटर स्टेट जो बोरो करती है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट विद सेंटर कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट इन सर्टन केसेस। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट है ना, सेंटर गवर्नमेंट ये बोरो करती है आरबीआई से, ये बोरो करती है पब्लिक से, और जब यहाँ से पैसा नहीं बचता तो ये बोरो करती है अदर कंट्रीज से, अदर कंट्री से। अब सेम बात अप्लाई होती है स्टेट पे, स्टेट भी बोरो करती है पहले सेंटर से, सेंटर एडवाइस कर देता है कि आरबीआई से कर लो या फिर पब्लिक से कर लो, लेकिन इनको परमिशन चाहिए होती है बाहर से, अगर दूसरी कंट्री से अगर बोरो कर रहे हैं तो इनको परमिशन चाहिए होती है। चलो, आपका ये वाला भी यूनिट खत्म हुआ, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे बेटा आपका नेक्स्ट यूनिट, ठीक है? चलो यहाँ पे इसको रोकते हैं, थैंक यू, बाय बाय।